कानून के नॉलेज चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज जो हम देखते हैं मानव भारती की अपडेट, मानव भारती जो यूनिवर्सिटी आजकल स्कैम में फंसी हुई है, तो सबसे पहले मैं आपको लेकर जाऊंगा हिमाचल प्रदेश पुलिस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप भी अपने लैपटॉप या मोबाइल पर इसको ओपन कर सकते हैं। और यहाँ से पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर साइन इन साइन अप की ऑप्शन है, क्रिएट एन अकाउंट मैंने तो इसका बना रखा है। जब मैं लॉग इन करूँगा तो आप ऐसे इसका पोर्टल खुलेगा। तो मैंने FIR देखने की, जो मानव भारती ने स्टेट पर FIR डाली हुई है, जब मानव भारती के ऊपर FIR डाली है उसको डाउनलोड के मैंने व्यू FIR कर रहा हूँ। तो ये लेवल टू प्रोसेस योर कैस्ट क्लिक योर लॉग इन, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है हिमाचल प्रदेश की, इसमें कुछ कमी है जो FIR डाउनलोड नहीं हो रही। अब मेन मकसद पर आते हैं, ई कोर्ट्स ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, आप भी इसको डाउन गूगल में ओपन कर सकते हो। गूगल में जस्ट ओनली आपने ये फिल करना है, ई कोर्ट्स हिमाचल प्रदेश, ऐसे खुल जाएगा। तो आपने जो सिलेक्ट करना है, कोर्ट कम्प्लेक्स सोलन, पटिशनर रिस्पोंडेंट, पटिशनर नेम मानव भारती यूनिवर्सिटी, ईयर हमने लेटेस्ट ईयर डालना है यहाँ पर 2020। उसके बाद पटिशनर है जिन्होंने डाली है वो है मानव भारती यूनिवर्सिटी, रिस्पोंडेंट किस पर डाली है, स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश पर। इन्होंने यूनिवर्सिटी ने स्टेट पर ये क्रिमिनल जो एप्लीकेशन है वो इन्होंने स्टेट पर ही डाली है। तो अंडर सेक्शन क्या है, क्रिमिनल प्रोसीजर 167, एडवोकेट मेरे भाई तुझे समझ लेंगे ये क्या होता है। तो FIR की डिटेल यहाँ पर है, पुलिस स्टेशन जो है धर्मपुर, FIR नंबर 27, ईयर 2020। तो अभी जो इसका केस की जो स्थिति चल रही है वो कंसल्टेशन पर है अभी, तो ये तो अभी केस स्टार्ट ही हुआ है, पता नहीं कब चल के सुनवाई होगी। मे भी लॉकडाउन की तरफ से ये केस अभी भी चल रहा है, इसकी आप देख सकते हो हियरिंग कितनी हियरिंग हो चुकी है, बट अभी कोई भी केस लगने को ही नहीं है। ये तो कोई फैसला, मुझे नहीं लगता ये फैसला इतनी जल्दी आने वाला है, 1.5 साल 6 महीने इसको लग सकते हैं। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 167 आप दे सकते हो, ये होता क्या है। आप भी इसको रीड कर सकते हो, जो लॉ के स्टूडेंट होगा उनको तो देखो पता ही होगा। अभी 167 प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स, क्रिमिनल प्रोसीजर जो होता है उसमें 167 सेक्शन ये बोलता है, प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कम्प्लीटेड इन 24 आवर्स, अगर 24 आवर्स में इन्वेस्टिगेशन कम्प्लीट ना हो तो उसका प्रोसीजर इसमें CRPC में बताया गया है। तो मानव भारती की ये जो जे है, पता नहीं कितने कितने केसेस पर चल रहे हैं, और मानव भारती ने स्टूडेंट्स पर और स्टेट पर भी मैंने आपको दिखा दी है। तो भगवान ही जाने अब इसका जो ये केस है आपके सामने कब तक चलेगा, कब तक इसकी जो प्रोसीडिंग्स है ट्रायल शुरू होगा, आई डोंट नो। आप इसको ओपन कर दे सकते हो। तो ये आज की जो मानव भारती की जो ये अपडेट है, अगर फाइंड करने से पता चलता है कहाँ पर क्या चल रहा है इसका, क्या नहीं चल रहा। आई थिंक उस जो स्टूडेंट्स रेगुलर स्टडी इन्होंने की थी या जिन्होंने डिस्टेंस से की, पता नहीं उनका फ्यूचर क्या होगा क्या नहीं होगा, वो भी जुडिशियल डिसीजन पर भी डिपेंड करता है। पर जैसे हालात इस यूनिवर्सिटी के बन रहे हैं तो मुझे नहीं लगता ये बच्चे की डिसॉल्व होगी। तो ये अब थोड़ा सा जो नमूना है केस का जो मानव भारती यूनिवर्सिटी स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश पर डाला है वो आपके सामने है। अगर आपका HP पुलिस से ऑफिशियल वेबसाइट से FIR डाउनलोड होती है तो ये FIR का नंबर है, पुलिस स्टेशन धर्मपुर है, डिस्ट्रिक्ट सोलन है, तो आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी नमस्कार।